बोलेरो नियो लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि बोलेरो लें या फिर बोलेरो नियो लें, क्योंकि दोनों का नाम तो सेम है लेकिन दोनों के अलग अलग फंक्शन है। बट आज की वीडियो में मैं वो कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से आपको बोलेरो को छोड़ के बोलेरो नियो के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि बोलेरो नियो 2 लाख रुपये महंगी है या फिर बोलेरो 2 लाख रुपये सस्ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बोलेरो नियो में मिलते हैं, बोलेरो में नहीं मिलते। हालांकि दोनों की जो लेंथ है, विड्थ है, वो सब कुछ सेम है, टायर का साइज भी सेम है, बट टैंकी है वो बोलेरो की बड़ी है, बोलेरो नियो की थोड़ी छोटी है। लेकिन आप पेट्रोल पंप पे दोबारा भरवा सकते हैं क्योंकि 10 लीटर ही छोटी है। लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप बोलेंगे जी हाँ भाई, बोलेरो नियो में दम है, बोलेरो नियो ही लेनी चाहिए बोलेरो छोड़ के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज सेफ्टी। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो बोलेरो नियो के अंदर मिलते हैं 2 एयरबैग, जबकि बोलेरो के अंदर मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1 ड्राइवर एयरबैग। साथ ही साथ बोलेरो नियो के अंदर आपको सेफ्टी के लिए ABS विद EBD विद कॉर्नर ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यानी कि आपको ऑन रोड ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन वहीं पर बोलेरो के अंदर सिर्फ और सिर्फ ABS मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है, वो देना ही कंपलसरी है। तो सेफ्टी के मामले में बोलेरो नियो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू बोलेरो। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक बोलेरो नियो में मिलते हैं जबकि बोलेरो में नहीं मिलते। अब बात करें ड्राइविंग के बारे में। देखिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि बोलेरो की ड्राइविंग कैसी है, बट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बोलेरो नियो की जो ड्राइविंग है वो बोलेरो से काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम में दोनों में फ़र्क है। बोलेरो के अंदर आगे मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, और पीछे मिलता है एक रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। जिसको पता नहीं है लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझाया जाए जो ट्रक के पीछे वाले सस्पेंशन होते वैसा ही एक छोटा सेटअप बोलेरो के अंदर होता है। वहीं पर बोलेरो के अंदर विशबोन सस्पेंशन है, वो भी इंडिपेंडेंट स्प्रिंग सस्पेंशन, और पीछे की तरफ मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन विद एंटी रोल बार। जी हाँ, एंटी रोल बार मतलब गाड़ी को एक तरफ रोल होने से बचाने के लिए जो एंटी रोल बार लगाया जाता है वो है। तो ड्राइविंग के मामले में डेफिनेटली बोलेरो नियो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ उसके अंदर एक मैकेनिकल ऑटोमेटिक डिफरेंशियल लॉक आता है रियर व्हील में। जी हाँ, दोनों के दोनों गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है लेकिन इसके अंदर मैकेनिकल डिफ लॉक आता है, तो थोड़ी मोड़ी ऑफ रोडिंग आप बोलेरो नियो के अंदर कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो बोलेरो नियो में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद फोन कॉलिंग एंड डिस्कनेक्ट फंक्शन। स्टीयरिंग के ऊपर माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, वॉइस कमांड आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर एक इकोनॉमी मोड मिलता है गाड़ी चलाने के लिए। साथ ही साथ AC के लिए भी एक इकोनॉमी मोड, मतलब डीजल की जो बचत है आप बोलेरो नियो में ज्यादा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बोलेरो। स्टीयरिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलता है ड्राइवर को और को पैसेंजर को। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, महिंद्रा बोलेरो नियो के अंदर पानी का लीकेज नहीं होता। आपने सही सुना, विंडशील्ड से पानी का लीकेज नहीं होता, जबकि बोलेरो के अंदर बहुत पानी का लीकेज होता है, बहुत ज़्यादा पानी का लीकेज होता है। तो वहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, प्रॉब्लम से निजात मिलेगी कि गाड़ी के अंदर पानी का लीकेज नहीं है। बट हाँ, बोलेरो के अंदर एक एडवांटेज है कि अगर आप उसको पैसेंजर सेगमेंट के अंदर यूज़ करने वाले हैं तो आप उसके डोर्स के ऊपर लोगों को खड़ा नहीं कर सकते, पीछे वाली डिक्की खोल के खड़ा नहीं कर सकते, ओवरलोडिंग नहीं कर पाएंगे बोलेरो नियो के ऊपर। वो फिर अब क्या बोलें कि सही है कि गलत है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से वो गलत है। जितनी सीटिंग कैपेसिटी दी है गाड़ी के अंदर उतना ही आपको चलाना चाहिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको इस डिफरेंशिएशन से मदद मिलेगी कौन सी गाड़ी परचेस करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको बोलेरो नियो के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ बोलेरो। लोगों की बातों मत आइए कि बोलेरो एक आइकॉनिक व्हीकल है, बोलेरो बोलेरो है और TUV 300 बोलेरो नियो है, ऐसा नहीं है। TUV 300 से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, बहुत ही चौड़ी गाड़ी है अगर बोलेरो से कंपेयर किया जाए तो। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको ऑप्शन मिले बोलेरो नियो और बोलेरो में से एक गाड़ी परचेस करने का तो कौन सा परचेस करेंगे, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।